पांच मिनट का मदरसा, जानिए कम वक्त में ज्यादा बातें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, आप तमाम का इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम पांच मिनट के मदरसे में। हमारा आज का पहला मौजू है कुरान। अल्लाह ताला ने फरमाया, वतूबु इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ऐ मुसलमानों, तुम सब के सब अल्लाह की जनाब में, अल्लाह के हुजूर तौबा करो ताकि नजात पाओ। अजीज भाइयों और बहनों, ये मेरे और आपके लिए सोचने का और गौर व फिक्र करने का मकाम है कि जिस अजीम महीने से हम गुजर रहे हैं वो महीना ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल आखिरी लम्हात में है, आखिरी सांस ले रहा है। मुझे और आपको ये जानना चाहिए, ये समझना चाहिए कि क्या मैंने और आपने इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब की? क्या हमने अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगी? आप देखें, जिस तरह से रमज़ानुल मुबारक का गहरा ताल्लुक कुरान मजीद से है, वैसे ही रमज़ानुल मुबारक का एक बहुत ही गहरा ताल्लुक ये तौबा से भी है। यानी जैसे कुरान से गहरा ताल्लुक है ना, वैसे तौबा से भी है। जैसे आप देखें, रमज़ान का महीना ये नेकियों का महीना है और तौबा एक अजीम नेकी है। रमज़ान का महीना मगफिरत का महीना है और तौबा मगफिरत हासिल करने का ज़रिया। रमज़ान जहन्नम से आज़ादी का ज़रिया है और तौबा जहन्नम से आज़ादी हासिल करने का एक बड़ा ज़रिया। इसी तरह रमज़ान ये दुआ का महीना है और तौबा भी एक दुआ है। आप देखें, रमज़ानुल मुबारक का महीना ये अल्लाह की तरफ रुजू करने का, इनाबत का महीना है और तौबा का तो माना ही होता है रुजू करना। तो तौबा और रमज़ान का ये बहुत गहरा ताल्लुक है। मुझे और आपको चाहिए कि हम अपने गुनाहों से अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ तौबा करें, अल्लाह के जनाब में माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। कौन ऐसा शख्स है दुनिया में जो ये दावा कर सकता हो कि वो गुनहगार नहीं है, उससे कोई गुनाह नहीं होता। आइए पहले हमारे दूसरे मौजू की तरफ चलते हैं। हमारा आज का दूसरा मौजू है हदीस। हदीस में मैं गुनाह ही के ताल्लुक से एक रिवायत आपके सामने पेश करूंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कुल्लू बनी आदम खत्ताउन व खैरुल खत्ताइन अत्तवाबून, कि तमाम के तमाम बनी आदम गुनहगार है, लेकिन उनमें सबसे बेहतर गुनहगार वो है जो गुनाह के बाद तौबा करें, गुनाह के बाद माफ़ी मांगे, ये सबसे अच्छा इंसान है। हमारे यहाँ लोग गुनाह तो करते जाते हैं लेकिन माफ़ी की तौफीक नहीं होती, तौबा की तौफीक नहीं होती। अहले इल्म ने मखलूक की गलतियों के ताल्लुक से चंद बातें बयान की। सबसे पहले तो वो मखलूक जो कभी गलती करती नहीं, जिनसे कभी गुनाह होता ही नहीं है, वो कौन है? वो फरिश्ते हैं, जिनसे कभी गुनाह नहीं होता, वो कभी गलती नहीं करते, फरिश्ते हैं। इसी तरह फरिश्ते और अंबिया कराम हम कहते हैं कि भाई मासूम अनिल खता है, इस एतबार से अंबिया कराम के वो अपनी गलती पर मुसीर नहीं रहे, वो अपनी गलती पर बाकी नहीं रहे। दूसरा, वो लोग जो गलती करने के बाद तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ये कौन है? ये इंसान है, मैं और आप है। ये हमारी एक अच्छी सिफत है कि हमसे गलती होती है, ख़ता होती है, गुनाह होती है, हम फौरन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास रुजू करते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं, अपने गलती पर जो है शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। और तीसरी, वो मखलूक जो गलती करती है तौबा नहीं करती बल्कि उस पर अड़ी रहती है, उस पर अड़ जाती है, उस पर जो है डट जाती है, वो कौन है? वो शयातीन है और दुनिया में शैतान सिफत लोग है। यानी वो लोग जो अपनी गलती पर अड़ जाने वाले हो, अपनी गलती पर डट जाने वाले हो, अपनी गलती पर तस्मस न होने वाले हो, ये शैतान सिफत लोग है। लिहाजा हम इंसान बने, वो मखलूक बने जो सबसे अच्छी मखलूक है जो गुनाह करने के बाद तौबा करती है, और तौबा भी तरीके से करें, हम जिस तरह से तौबा करना चाहिए ना उस तरीके से तौबा करें। इसीलिए बाद सलफ कहा करते थे कि इस्तिग़फारुना यहताजु इलल इस्तिग़फार, इस्तिग़फारुना यहताजु इलल इस्तिग़फार, कि हमारा इस्तिग़फार भी इस्तिग़फार का मोहताज है। यानी हमारा इस्तिग़फार भी ऐसा होता है, हमारी तौबा भी ऐसी होती है कि वो भी जो है तौबा का मुस्तहिक़ होता है, वो भी जो है तौबा का मोहताज होता है। लिहाजा हमें जहन को हाजिर रखते हुए, दिल को हाजिर रखते हुए, दिमाग को हाजिर रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह के जनाब में तौबा करना चाहिए। देखिए, तौबा के चंद शराइत है। सबसे पहली शर्त, इंसान अपने गुनाह पर नादिम और शर्मिंदा हो, अपने गुनाह पर उसको अफसोस हो, तौबा हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अन्नदमु अत्तौबा, कि असल में नदामत ही तौबा है, शर्मिंदगी ही तौबा है। लिहाजा इंसान को अपने गुनाह पर शर्मिंदगी होनी चाहिए, उसको अपने गुनाह पर अफसोस होना चाहिए। और इसी तरह तौबा के मजीद कुछ जो उसके उसूल हैं, जवाबित हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम लोग देखेंगे, उसके जो शराइत है वो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन याद रखिए कि तौबा की ये सबसे पहली शर्त है कि तौबा में नदामत और शर्मिंदगी हो। हमारे यहाँ लोगों को नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती है। हालांकि आप देखें, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, वो कहते हैं कि इन्नल मुमिना यरा ज़ुनूबहु क़ाइदुन तहता जबलिन यखाफ़ु अन यक़ा अलैह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते हैं कि एक मोमिन गुनाह को ऐसे देखता है जैसे वो एक पहाड़ के नीचे बैठा हो, और वो डरता है इस बात से कि कहीं वो पहाड़ उसके ऊपर गिर ना जाए,
اور وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور ایک فاجر شخص، ایک گنہگار شخص، يَرَى ذُنُوبَهُ، اپنے گناہ کو ایسے دیکھتا ہے کہ قَدْ ذُبَا بِهِ مَرَّ عَلَىٰ أَنْفِهِ، کہ ایک جو ہے مکھی اس کی ناک پر بیٹھی اور اس نے ایسے ہاتھ سے اشارہ کر کے اس کو ہٹا دیا، بس یہی وہ گناہ کو سمجھتا ہے۔ اور آج میں اور آپ اپنا معاملہ دیکھیں کہ ہم گناہ کو کیا سمجھتے ہیں، ہم کیسے گناہ کو سمجھتے ہیں، ہم کتنا جو ہے اس کو سیریس لیتے ہیں گناہ کو۔ لہذا عزیز بھائیوں، دوستوں، میری ماؤں بہنوں، رمضان کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، یہ عظیم مہینہ ہم سے رخصت ہونے والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین سے توبہ کرے۔ توبہ کے تعلق سے مزید باتیں انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں دیکھیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔